वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और आज बात करेंगे न्यू सील इंस्टॉलेशन का। तो ट्विंग्स आप मिक्सर में नया सील किस प्रकार से लगाएं, तो इसके लिए एक बूश की ज़रूरत पड़ती है, जो ये बूशर लगता है और इसमें एक कट जो है वो वहाँ पर चाबी के लिए है, वो चाबी पर आता है। और ये डस्ट कैप हाफ लगता है, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो गया, जो जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं। तो यानी टुकड़ों में काउंट करेंगे तो चार लगेंगे और ऐसे राउंड के हिसाब से काउंट करेंगे पीस में तो दो लगेंगे। और ये लगेगा ये काउंटर पार्ट रिटेनिंग रिंग, तो ये काउंटर पार्ट रिटेनिंग रिंग इसे इसमें कसाए जाएंगे डस्ट कैप हाफ, ये जो मिक्सर के अंदर साइड जाएगा। इसमें एक ओरिंग लगेगी बीच में, जो एक किनारे साइड है वहाँ ओरिंग लगेगी, उसका पॉइंट दिया हुआ है। और इस साइड यहाँ पर लगेगा स्लाइडिंग रिंग, जो आता है पैकिंग में आता है स्लाइडिंग रिंग, उसमें दो सेट आते हैं, मतलब दो पीस आते हैं जैसे ये है, तो ये बीच से अलग हो जाएगा। ये अभी इसको अलग करेंगे तो यहाँ से देखिए अलग हो गया। तो एक तो इस लग जाएगा काउंटर पार्ट रिटेनिंग रिंग में, एक लगेगा नेक्स्ट पार्ट जो होगा। और ये दोनों आपस में स्लाइड करके चलता है, इसलिए इसको स्लाइडिंग रिंग बोलते हैं। और ये इसकी सील और बैठाने में बहुत सही से बैठाना होता है, नहीं डैमेज हो बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कट लग जाएगा तो बेकार हो जाएगा। और ये है रिटेनिंग रिंग, इसमें अंदर साइड में सील लगेगी। इसको देखिए, ये इस प्रकार से दोनों आपस में बैठ के चलता है, तो इसके अंदर जो स्लाइडिंग रिंग होगी वो चलती है। तो इसे इस तरह से इसका फिटिंग होता है स्लाइडिंग रिंग लगने के बाद। जो काउंटर पार्ट है वो पूरी तरह से मिक्सर साइड हो जाता है और जो रिटेनिंग रिंग है वो बाहर साइड है आ जाता है। तो ये जो काउंटर पार्ट है घूमता है और रिटेनिंग रिंग रुका रहता है। तो ये रिटेनिंग रिंग में जो है एक सील लगेगी, इस सील को सॉफ्ट पैकिंग सील भी कहते हैं या ऑयल सील भी कह सकते हैं। तो ये सील लगाने के बाद, तो ये सील एक और इसमें जो बैरिंग का हाउजिंग है इसमें भी एक सील लगा लेंगे। दोनों सीलें सेम होती हैं, सॉफ्ट पैकिंग सील के नाम से आता है। तो इसमें लगाने के बाद, और ये जो है यहाँ पे एक ओरिंग लगेगी, इसमें जहाँ पे भी ये ग्रीस यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से एक ओरिंग लगेगी। ये ओरिंग लगाने के बाद फिर बैरिंग लगा लेंगे, और ओरिंग बाद में भी लगा सकते हैं। तो बैरिंग को आसानी से नहीं बैठेगा, हल्का चोट मारने के बाद बैठेगा। तो बैरिंग बैठाने के बाद अभी काउंटर पार्ट में ये स्लाइडिंग रिंग बैठाएंगे। इसको बहुत ही आसानी से इसको ऐसे दबा के रखना और साइड से इसको वैसे किसी नुकीली चीज़ से नहीं, और इसको पुश करना है ग्रीस लगा के, ये आराम से बैठ जाएगा। और उसके बैठाने के बाद ये बैक साइड में ओरिंग लगाने के बाद इसमें ग्रीस लगा देना है। तो दूसरे साइड में स्लाइडिंग रिंग, इस साइड में ओरिंग, ये लग के कम्प्लीट हो गया है। तो इसमें एक बार ये जब स्लाइडिंग रिंग बैठ जाता है तो ये बाहर नहीं आता है, लेकिन हल्का सा भी झटके लगेंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो और रिटेनिंग रिंग में भी स्लाइडिंग रिंग बैठा लेंगे, एक तो काउंटर पार्ट में बैठा दिए हैं और एक इसमें बैठा देंगे। तो ये दोनों आपस में स्लाइड करके चलते हैं, इसलिए इसको स्लाइडिंग रिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों ने बैठा लिया है, और ये इसके बाद इसकी एक ओरिंग डाल देंगे। ये अच्छे से फिटिंग हो जाए, इसी के लिए ओरिंग है कि रिटेनिंग रिंग जब हम यहाँ पे बैठाएं तो अच्छे से फिटिंग में हो जाए। अब ये काउंटर पार्ट बैठा रहे हैं, पहले सबसे पहले इसी चीज़ को बैठाना है, इससे पहले और कुछ नहीं बैठा सकते हम। और इसमें चाबी की जो घाट है उसे मिला के बैठाना है। और अंदर साइड से जैक यूज करते हैं शाफ्ट को अलाइनमेंट में लाने के लिए, शाफ्ट हल्की नीचे चली जाती है, तो या आप पहले ही उस पर सपोर्ट लगा दीजिए कि शाफ्ट नीचे ना जाए। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइड में गया हुआ है, तो अंदर साइड से कोई सब्बल या बारी कुछ भी लगा के आप हल्का सा खींचेंगे तो ये एक साइड आ जाएगा, तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो अभी अंदर साइड से देखिए अलाइनमेंट मिलाने के बाद ये बैठ गया, तो ये भी और आगे जाएगा।
तो इसको इसमें जो स्लाइडिंग रिंग है काफ़ी बैठाने में आप नहीं ध्यान देंगे तो निकल जाएगा, तो फिर बैठाने में प्रॉब्लम होता है। और इसको हल्का अंदर से जैक डाउन भी करके इसको अलाइनमेंट में लाने के बाद, क्योंकि इसको ठोकना चोट नहीं मारना पड़ता है, बहुत आसानी से बैठता है ये, बिल्कुल आराम से पुशिंग सिस्टम पे बैठ जाता है जब अलाइनमेंट में आ जाता है। और इसको ऐसे हथौड़े हथौड़े की चोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप देखिए बहुत ही कितना आसानी से ये बैठता चला गया, क्योंकि ये पुशिंग सिस्टम पे है तो बहुत आसानी से। और इसके इनर साइड इसी पे डस्ट कैप हाफ टाइट होंगे, तो चलते हैं अंदर साइड देखते हैं। तो ये अंदर साइड पहले सिम लगाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा एक सिम की ज़रूरत है या दो सिम की, जैसे ज़रूरत हो तो सिम स्पेस को मेंटेन करने के लिए है। और कम सिम लगाएंगे तो जो दोनों डस्ट कैप हाफ है तो आपस में ज़्यादा रगड़ के चलेगा, तो आप उसी हिसाब से लगाइएगा जिस हिसाब से इसमें ज़रूरत है, ज़्यादा रगड़ भी चलेगा तो ये घिस जाएगा, घिसाव ज़्यादा होगा इसका। और सिम सही से लगेगा जितनी ज़रूरत है तो घिसाव भी नहीं होगा और लाइफ भी ज़्यादा होगी इसकी। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ डिस्टेंस इतना था कि दो सिम लगाने के बाद ये बिल्कुल सही कंडीशन में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग दो सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिम से कोई इसमें खास नहीं है, सिम सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए है, उसका इसमें और कोई रोल नहीं है कि उसकी वजह से कम कटेगा ज़्यादा कटेगा, ऐसा कोई रोल नहीं है। सिर्फ दोनों डस्ट कैप के हाफ के बीच में जो डिस्टेंस है कट गया है, डस्ट कैप हाफ वही यूज करना आप चाहते हैं, उसमें दो लगी है तो एक लगा दीजिए तो भी आपका वर्क में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सिम का कोई बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है, रोल बस इतना है कि वो सिम तो आप समझ सकते हैं डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और इसको इस तरह से लगाने के बाद बोल्ट टाइट कर लेंगे और इधर बाहर से आएंगे तो इसमें बैठाएंगे हम लोग रिटेनिंग रिंग। तो रिटेनिंग रिंग भी बैठाते समय ही पूरी सावधानियां रखनी है, और उस समय ज़रूर चेक कर लेना है कि अंदर का दोनों का जो है स्लाइडिंग रिंग सही से है या नहीं। यदि बैठाते समय स्लाइडिंग रिंग सरक गया, अपने जगह से हट गया या टेढ़ा हो गया या उसकी सील रबड़ निकल गई, तो ये समझिए आपका पूरा मेहनत और पूरा सामान बेकार जाएगा, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है, इसी आइटम को बैठाने में, इसी पार्ट को बैठाने में, और किसी पार्ट में उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो सावधानियाँ रखनी है सिर्फ रिटेनिंग रिंग को बैठाते समय और काउंटर पार्ट को बैठाते समय रखना है। तो इसको और इसका जो भी बोल्ट है अलाइनमेंट है, जितने बोल्ट हैं सबको चारों तरफ से बराबर बराबर टाइट करना है। आप सोचेंगे एक तरफ से ज़्यादा कर दूँ, तुरंत ही जो स्लाइडिंग रिंग है वो घसक जाएगी और आपका ओरिंग जो उसकी सीलें हैं वो कट जाएंगी, फिर आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा एक एक चूड़ी सब तरह से बराबर से टाइट कीजिए, और इसमें जो स्पेस है वो 6 mm तक मेंटेन रखिए। जो हम मैं बात कर रहा हूँ इसी प्लांट ट्विंग शाफ्ट M1T के बारे में, मैं अदर प्लांट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि मैं इसी आधार पे अदर प्लांट, हाँ सिस्टम सेम हो सकता है, लेकिन जो मैं पार्ट और जो चीज़ बता रहा हूँ इसी प्लांट का गियर बक्से साइड में डिफरेंस हो जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि ये इसी आधार से है, तो आप इसको देख के वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे यही पार्ट उस साइड लगेगा तो नहीं, उसमें कुछ पार्ट चेंज हो जाते हैं, बुश का सिस्टम बदल जाता है, और रिटेनिंग रिंग ये सब तो सेम रहते हैं लेकिन उसमें बुश का सिस्टम बदल जाता है। और इसको टाइट करने के बाद ग्रीसिंग पॉइंट का भी पाइप जो आ रही है उसको भी लगा लेना है। तो इसको टाइट कर लेंगे, और इसको या तो आप बाद में भी टाइट कर सकते हैं। और इसके बाद बैरिंग बची हुई है, बैरिंग भी लगा लेंगे। तो ये इसको बैठाते समय बैरिंग का जो भी हाउसिंग बैठाएंगे उस समय भी ध्यान देना है, जो ग्रीस की पाइपें जो कनेक्ट होती हैं उसका उसी साइड पॉइंट आना चाहिए, अपोजिट साइड हो गया, आपने सब कुछ टाइट कर लिया तो आपको दोबारा से चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि पाइपें वहाँ तक या नहीं पहुँचेंगी अपोजिट साइड होंगी तो, या तो बड़ी पाइपें हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पाइपें जो इस आधार पे इसमें लिमिट में आती हैं उस आधार पे हैं तो आपकी पाइपें नहीं पहुंचेंगी। और इसके बैरिंग की हाउसिंग बैठाने के बाद इसका जो
चेक नट है बैरिंग के लिए, इसको भी अच्छे से टाइट करना है ताकि बैरिंग लूज ना रहे, शाफ्ट के साथ अच्छे से चलती रहे बैरिंग। तो इस तरह से सब कंप्लीट करने के बाद अब ये बैरिंग का जो है कैप लगा देंगे। इस कैप में भी एक ओरिंग इस्तेमाल, बैरिंग में ओरिंग इस्तेमाल है, वो इस कैप को टाइट कर देगी जिसकी वजह से ग्रीस बाहर नहीं आने देगा। और इसको अच्छे से टाइट कर लेना है बैरिंग के कैप को भी, सभी बोल्ट लगा के, क्योंकि लूज रहेगा तो अंदर साइड से ओरिंग सील साइड से ना बैरिंग निकल ग्रीस ना निकल के और इसी साइड से ग्रीस आने लगेंगी। तो इस तरह से हम लोगों का सीलिंग का सील किट का लगाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी मान लीजिए इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो चेक हम लोगों ने इस प्रकार से किया। इस मिक्सर में पूरा पानी, थोड़ी सीमेंट की घोल बनाई और लगभग 40 मिनट तक मिक्सर कंटिन्यू रन किए, और ग्रीस करने के बाद, सब कुछ लगाने के बाद ग्रीस किए, उसके बाद ये प्रोसेस हम लोगों ने किया। इस प्रोसेस के बाद आधे घंटे बाद दोबारा से ग्रीस करके चेक किया, कहीं से लीकेज कोई नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने सील लगाने के बाद उसकी टेस्टिंग किया कि सही है या नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई लीकेज रहा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना सील चेंजिंग का प्रोसेस पूरा किया। तो आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।